छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रत्याशी बनाए जाने के लिए आलाकमान का आभार जताया और उन्होंने कहा कि वो इसके लिए आलाकमान को धन्यवाद देते हैं। 5 साल पहले जो काम उन्होंने शुरू किया था उसे जारी रखना है और सिंहदेव ने यह भी कहा आगे नए काम करने हैं और लक्ष्य को हासिल करना है। सर्वप्रथम नवरात्र की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आप सभी को, सभी दर्शकों को, और मैं अत्यंत आभारी हूं कांग्रेस पार्टी का, हाईकमांड का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रद्धेय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, सभी वरिष्ठ जनों का, शैलजा जी हैं, माकन जी हैं, भूपेश भाई हैं, दीपक भाई हैं, जिन्होंने सर्वे के बाद अगर ये पाया कि वहां के साथी, वहां के कार्यकर्ता एक बार फिर मौका देना चाह रहे हैं तो उनका सम्मान उन्होंने रखा, तो मैं अत्यंत आभारी हूं। जी, नए पुराने हैं और ऐसे ही चलता है कि मिश्रित टीम है और प्रयास हम लोग का यही है कि जो काम चालू किया था 5 साल पहले उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। कई चीज हैं जो हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो नहीं हुई हैं, नई चीजें होंगी करने के लिए, ये सारे लक्ष्य हासिल करने के लिए मौका मांगना है।